नमस्कार दोस्तों, अभी 2 दिन पहले पुणे में बड़ा दिलचस्प नज़ारा था। एक ही फ्रेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हाँ, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पांचों थे। और बैकग्राउंड में जाहिर है प्रधानमंत्री का हवाई जहाज। प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पुणे गए थे और ये प्रोटोकॉल है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर है उस राज्य का, वो प्रधानमंत्री की अगवानी करता है। प्रोटोकॉल नहीं होता तो शायद उद्धव ठाकरे नहीं आते, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो पहली औपचारिक मुलाकात होनी थी प्रधानमंत्री से, वो तो प्रधानमंत्री के ऑफिस में या उनके आवास पर होनी थी, पर हो गई पुणे के एयरपोर्ट पर। ये तो एक कहना चाहिए कि प्रोटोकॉल था जिसका पालन उद्धव ठाकरे ने किया है। पर जो बदले हुए हालात हैं, जो बदले हुए राजनीतिक हालात हैं, उनमें ये मुलाकात चर्चा का विषय जरूर बन गई। पर एक प्रोटोकॉल अभी उद्धव ठाकरे को और निभाना है और वो शायद निभा नहीं पा रहे हैं, या उस तरह का माहौल अभी तक बन नहीं पाया है कि वो दूसरा प्रोटोकॉल निभाते, यानी 10 जनपथ जाने का, सोनिया गांधी से मुलाकात करने का, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का कि उनकी वजह से और शरद पवार की वजह से वो महाराष्ट्र के आज मुख्यमंत्री हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक प्रोटोकॉल तो निभा दिया है शरद पवार से मुलाकात करके। वर्ली में ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के समय एकनाथ शिंदे भी थे, आदित्य ठाकरे भी थे, सुभाष देसाई भी थे, जयंत पाटिल भी थे, अजीत पवार भी थे और खुद शरद पवार भी थे। इस मुलाकात का मकसद ये था कि 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने एज चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण कर ली थी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के भी 2-2 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली थी, पर एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। शुक्रवार, आज तो 10 दिन हो गए हैं, तो 10 दिन बाद भी अगर विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, किस पार्टी के पास कौन सा डिपार्टमेंट जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा है, और सारे मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं इस इंतज़ार में कि उनको विभागों का पता लगे, वो जाकर के उस विभाग के मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभालें, अधिकारियों की बैठक शुरू करें और उनके मंत्रालयों में, उनके विभागों में जो भी कामकाज है, जो भी योजनाएं परियोजनाएं हैं, उन पर चर्चा करें, फीडबैक लें और उसके बाद आगे के लिए रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को दें। वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है, यानी सरकार गठन के 10 दिन बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि महाराष्ट्र में कोई सरकार गठित हो गई है, बन गई है। मंत्रियों को भी वो फील नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो अपने, उनको पता ही नहीं है कि उनके मंत्रालय क्या हैं। चीफ मिनिस्टर की हालत ये है कि मोटा मोटी वही फैसलों पर मोहर लगा रहे हैं जो देवेंद्र फडणवीस की 3 दिन की सरकार लेकर के गई थी, जैसे किसानों के लिए 227 करोड़ रुपए रिलीज करने के आदेश जारी करना। ये फैसला बेसिकली देवेंद्र फडणवीस सरकार का था, जो उन्होंने सबसे पहला फैसला लिया था कि जो महाराष्ट्र के किसानों की हालत है बाढ़ के कारण, ज़्यादा बारिश के कारण उनकी जो फसलें बर्बाद हो गई या उनको जो मुआवजे के तौर पर दिया जाना है उसका फैसला वो करके गए थे। तो एक अधिसूचना इनकी कलम से राज्यपाल के जरिए जारी हुई, पर और कोई बड़े फैसले वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मंत्रियों को पता ही नहीं है कि उनके विभाग कौन से हैं, और ऊपर से शीतकालीन सत्र का भी वक्त आ गया है जो आम तौर पर नागपुर में होता है। तो जो मंत्री शपथ ले चुके हैं वो निस्सहाय हैं, जिनको अभी शपथ लेनी है अभी उनको भी पता नहीं है कि शपथ ग्रहण कब होगा। कुछ अंतर्विरोधी खबरें आ रही हैं,
कुछ कह रहे हैं कि जो विधानसभा का सत्र है नागपुर में, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो 22 दिसंबर के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा और शायद तभी एनसीपी की तरफ से अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करके अपना कार्यभार संभालेंगे। पर यहाँ भी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस चाहती थी कि उप मुख्यमंत्री उनकी तरफ से भी किसी को बनाया जाए, इस पर झगड़ा था, शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं थे और उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं तैयार नहीं थे। उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का ये मानना है कि जब कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दिया गया है, नाना पटोले स्पीकर बन चुके हैं, तो अब वो उप मुख्यमंत्री पद पर भी दावा क्यों कर रही है। और ये दावा हाईकमान की तरफ से हो ना हो, पर जो महाराष्ट्र में दो पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान, कहीं ना कहीं उनकी ये अभिलाषा थी कि कम से कम उनको कोई कामकाज मिल जाए अगर वो उप मुख्यमंत्री बन जाए या कैबिनेट स्तर के मंत्री ही बन जाए। पृथ्वीराज चौहान ने तो पिछले दिनों बीबीसी के साथ बातचीत करते हुए अपनी इच्छा जाहिर कर भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के बाहर या सरकार के भीतर रह करके हम जो भी अपने अनुभवों के आधार पर उद्धव ठाकरे को सलाह दे सकते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। अब उद्धव ठाकरे हैं कि इनकी सलाह ही लेने को तैयार नहीं है, वो सलाह लेते हैं शरद पवार से। कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उनको लग रहा है कि भले ही तीन दलों की सरकार बन गई है, भले ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर वो अभी बेरोजगार के बेरोजगार हैं, इसलिए हालात जो हैं वो फंसे हुए हैं, पेचीदा हैं। अब स्थितियां ये हैं कि उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के यहाँ जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को अपनी सारी हेकड़ी भुला करके 10 जनपद भेजा कि भाई आप खुद जाइए, सोनिया गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण पत्र दीजिए। वो निमंत्रण पत्र दिए गए, फोटो खिंचाई हुई, उसके बाद वो प्रेस में जारी भी किए गए, तमाम तरह की स्टोरीज बनी, लेकिन सोनिया गांधी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आई, राहुल गांधी भी नहीं आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं आए। तो मीडिया के एक पार्ट ने इस पर चुटकी भी ली कि रसगुल्ले खाएं भी और गुलगुलों से परहेज भी करें, ये कैसे चलेगा? यानी आप शिवसेना जैसी घोर हिंदुत्ववादी पार्टी को समर्थन दे करके सरकार का हिस्सा भी बने और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से भी बचना चाहें, यानी जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, उनको एक अलहदा किस्म का संदेश भी देने की कोशिश करें ताकि वो नाराज होकर के आपसे छिटक ना जाएं, तो ये राजनीति कैसे चलेगी? लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने ऐसा किया। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ना होने के फैसले से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी भीतर से आहत हैं, और शायद उनसे ज़्यादा आहत वो संजय राउत होंगे जो बात बेबात नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा नेतृत्व के खिलाफ, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लगातार ट्वीट पर ट्वीट ठोकते रहते थे। अब पता नहीं चल रहा है कि संजय राउत हैं कहाँ, और अगर हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने पर कम से कम कुछ तो कहते ट्विटर पर, कुछ तो सामना में लिखते, पर शायद हिम्मत नहीं है। हिम्मत जवाब दे गई है, उनके भीतर का पत्रकार जो है वो डरा हुआ है। उनको लगता होगा कि मैं कहीं कोई ट्वीट करूं, सामना में कुछ लिखूं, कहीं ऐसा ना हो कि आदित्य ठाकरे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएं और उसके बाद शिवसेना में और सामना में शायद उनके भी दिन गिने चुने रह जाएंगे। तो महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई इस मायने में नहीं दे रही है कि इतने दिन बाद भी कौन मंत्री, जिन्होंने शपथ ली है, कौन सा विभाग संभालेगा तय नहीं हो पा रहा है। और ये इसलिए भी तय नहीं हो पा रहा है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे के बीच भी
कौन विभाग किसको जाएगा, इसको लेकर के मतभेद हैं। और जो लास्ट मोहर लगनी है 10 जनपद की, वहाँ तक भी अभी शायद फाइल पहुँची नहीं है, वहाँ से भी अभी स्वीकृति मिली नहीं है। तो देखिए, ये सरकार तो मुझे लगता है ऐसे ही चलेगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।